महावीर गुड्डू जी अभी आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे गए हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, अपने हरियाणा की शान है, हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी इन्होंने अपने प्रोग्राम दिए हैं। मैडम लीला सैनी जी बैठी हैं, नृत्य के मामले में कई देशों में इन्होंने अपना प्रोग्राम दे लिया, लेकिन मैं कभी देश से बाहर नहीं गया हूं। 2 साल पहले मेरा प्रोग्राम बना था विदेश जाने का, तभी टेलीफोन पर पता चला माननीय मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं, मैंने अपना प्रोग्राम फिर कैंसिल करना पड़ा। मगर कम से कम एक आदमी देश में मौजूद रहना चाहिए जो जिम्मेदार हो। भगवान की कृपा से पिछले महीने भी मेरा प्रोग्राम बाहर जाने का बना था, तब एक टेक्निकल दिक्कत आ गई, वीजा लगवाने के लिए मैं अप्लाई किया तो मेरा फॉर्म देख कर उस पर फोटो लग रहा था, फोटो देख कर मेरे दिन बोले भाई आपने तो साक्षात्कार देना पड़ेगा। मैं जब एम्बेसी के सामने पहुंचा, मेरे को देख कर हाथ जोड़ के बोले भाई साहब आप विदेश नहीं जा सकते। मगर जी क्या बात है, बोले मोदी जी ने नौकरी रखी है, देश का काला धन बाहर नहीं जाऊंगा। मगर कोई बात नहीं भाई, मैं बयानी में सार में जींद में शिवानी में काम चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें समय के साथ होती हैं। आदमी का जो माहौल है हर 10 साल के बाद चेंज हो जाता है। मैं आपको ये फैक्ट बात बताऊंगा, हर 10 साल के बाद आदमी की जो मानसिकता है वो अपने आप कुदरती बदल जाती है। आदमी होया 10 का खेलन का पड़ा चस्का, आदमी होया 10 का खेलन का पड़ा चस्का, आदमी होगा 20 दुनिया की करेगा रीस, आदमी होगा 20 दुनिया की करेगा रीस, आदमी होगा 30 अपने आप छूट जाएंगी रीस, वापस आ जाता है 30 साल के बाद। आदमी होगा 40 न्यू रहेगा जुनू आड़ी पाड़ी, आदमी होगा 50 दो पीछे जोड़ने की करेगा ख्यास। जो इंसान की जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादियां, मकान, सारी जिम्मेदारियां 50 साल के आसपास आदमी के पीछे लगती हैं। आदमी होगा 50 दो पीछे जोड़ी करेगा ख्यास, आदमी होगा 60 न्योचा होगा जिन्हें मिल जा खाट, घुटने जवाब देने लग जाते हैं, आंखें काम करना अड़का हो जाती हैं, दांत भी हिल जाते हैं। आदमी होगा 60 न्योचा होगा जिन्हें मिल जा खाट, आदमी होगा 70 अकल पर पड़ जाएंगे पत्थर, घराली न होगी और श्याम नाव जब चीकू लिया ये सेब लिया ये उन भूल जाएगा, कपड़े धोगा साबुन ठा जाओ मन मन। आदमी होगा 70 अकल पर पड़ जाएंगे पत्थर, आदमी होगा 80 हो जाएगा बूढ़ा खसी, आदमी होगा 80 हो जाएगा बूढ़ा खसी, आदमी होगा 90 बोलेगा बब्बे बब्बे, बांडवा फूट जाती है 90 साल का आदमी हो जाता है, खाट में पड़े पड़े आप बिना बात अपने आप बोलता रहता है, नेचुरल बात है ये। आदमी होगा 90 बोलेगा बब्बे बब्बे, आदमी होगा 100 फिर तो राम करे वो ही हो, ओम नाम सत्य। तो ये हर 10 साल के बाद मैंने इंसान की आपको जो तब्दीली है वो बताई है। एक रागनी मैं आपके सामने सुनाऊं, महावीर जी ने 2 लाइन सुनाई थी पंडित जगन्नाथ की, मैं वो 2 लाइन नहीं मैं पूरी रागनी सुनाऊंगा। देशभक्ति का माहौल एक यहाँ क्रिएट हुआ है और शहीदों के बारे में सम्मान करते हैं, आरकेएस जी पंगाल साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर कविता शहीदों के सम्मान के लिए मैं नहीं मानता कोई शायद अभी तक आई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं ये गीत रागनी आपके सामने सुनाता हूं। हो यज्ञ हवन तप भजन व्रत बिने
पहला स्पीड दे दे पहला भजन वरत देने वो परले पारी उतर गए जोरन भूमि में चाहिए बिना बात
इस दुनिया के इस सुख पर ना लड़ना चाहिए। ये छोटी मोटी पत्ता की ना दुख पर लड़ना चाहिए। समझदार मानस ने अपने हक पर लड़ना चाहिए। और हक की खातिर कुरुक्षेत्र में हक की खातिर कुरुक्षेत्र में ये तलाक खून के भरेंगे। जोड़न भूमि और चौथी गली में रागिनी के आखिर में सबसे पहला जो फर्ज इंसान का ये संस्कारों की बात है, युवाओं के लिए मैं वो संस्कार की बातें शामिल करता हूं आपके लिए। सबसे पहला जो फर्ज है जननी मात का, जिसे पैदा किया 9 महीने तक गर्भ में रखकर आपकी परवरिश की, और उसके बाद दूसरा फर्ज अपनी मातृभूमि का है। क्या बताया आखिर में बहुत। भाई सबसे पहला फर्ज मनुष्य का जननी मात का हो, लंबा चौड़ा जीवन कोन्या कड़ी सियात का हो। ख्याल गात गाओ, धन माया का ये उठे से